तो गोलू का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, और जैसा कि क्रस्ट के अंदर है फिलहाल केक पसंद करते हैं। वैसे तो मुझे दो केक पसंद आ रहे हैं, एक ये बटर स्कॉच एंड पिस्ता कसाटा, सॉरी। तो आप पैक वैक कराते हैं और सीधे मिलते हैं आपसे बर्थडे पे। सो अब आज गोलू का बर्थडे है, थोड़ा सरप्राइज देते हैं उसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब जैसा कि केक बताया तो हमें केक कार की डिक्की में रखा हुआ है, और उसके लिए एक गिफ्ट भी है। एंड जो जगह है वो है यहाँ पे जवाहर सर्वपति का गेट। एंड अब गोलू को बाहर निकालते हैं और रिएक्शन कैप्चर करते हैं। तो अबे को बोल दिया है कि गोलू की आंखें बंद करके निकाले, डिक्की में है ही केक वेक सब रखा हुआ है। सो देखते हैं अभी, अबे लाता है उसको बाहर। और तो ये रही गोलू, और अब सरप्राइज छोटा सा गिफ्ट दे लिए और केक भी है। चल केक ओपन करते हैं, केक कट करते हैं पहले, बाद में गिफ्ट मिलेगा तेरे को। नहीं मैं खोल के देख रही हूँ। नहीं नहीं अरे पहले गिफ्ट नहीं, पहले केक। सो देखते हैं अब केक निकालते हैं। एंड एक्साइटेड है केक नाम से, एक्साइटेड। ठीक है आ जा। कैसा लगा केक? नाइस। ओहो ये ख़राब कैसे हो गया भाई? हो गया नॉर्मल होता, खाने का तो कुछ नहीं देंगे हमें जैसों के लिए। हाँ हैप्पी बर्थडे को ये हटा देते हैं, हटा दो बाद में मोटी चाट लेना। काटो तो हैप्पी बर्थडे। कितने ही हो गई? 25 साल की। नहीं 22। एक दो मैं खिलाऊंगी ना, हम खिला देंगे किसको? तू क्या खिलाएगी क्या? हाँ तुझे, तू तो नाच रहा था ना, नाच से क्यों आया उधर देख के। और ये रहा तेल लेके। हाँ गिफ्ट गिफ्ट है क्या इसमें? वैसे इसमें देख ले। ओ माय माय इतनी एक्सपेक्टेशंस। पेन की देख ली पे? बाद में पेन लियो केक खा ले पहले। नहीं मुझे पेन की देखना। अरे यार इतना भूखा बन रहन दे यार। तो थैंक यू सो मच। जूते घर ही जाने ना लाइक। ओए तू हैप्पी बर्थडे। हां तू भी। ठीक है सो बर्थडे सेलिब्रेशन देख लिया होगा, तो गोलू अपने फ्रेंड के साथ है। और अब थोड़ा मैं पत्रिका गेट को बता देता हूँ आपको, ये एशिया का सबसे बड़ा सर्कल है। एंड मेरे साथ कोई और है जो आगे की डिटेल देने वाला है। ओके हाय, आप देख सकते हैं ये अभी हम पत्रिका गेट पर हैं, और ये बिल्कुल सही फेमस है फोटोग्राफी के लिए, बहुत यूनिक है। देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर, और लिखा भी हुआ है वहाँ डिटेल में, पूरा बोल्ड में लिखा हुआ है पत्रिका गेट, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा। नगर में सिचुएटेड है। हाँ और WTPA से जस्ट आगे मिलने वाला है, तो सामने। अगर आपको फोटोज लेनी है तो ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट होने वाला है।
ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एलिफेंट्स देख रहे हैं आप, ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अट्रैक्टिव बिल्कुल। और ये ऊपर एक ऐसे गुंबद सा बना हुआ है, और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा गार्डन है, और ब्यूटीफुल कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। राइट साइड भी गार्डन है, सो अब पूरा वॉक अराउंड तो नहीं दे सकता मैं गार्डन का, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है कि मैं भी थक जाऊँगा। सो लेकिन सुंदरता काबिल तारीफ़ है, हमेशा एकदम हरे भरे पौधे रहने वाले हैं, चाहे वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ।